एक सवाल, क्या मैं एसिडिक हूँ या बेसिक? वी आर कन्फ्यूज्ड। तो फिर यह पता करने का समय आ गया है। लेट्स चेक इन। वेलकम टू मोजे फैक्ट्स, फैक्ट्स दैट आर डिलीवर्ड एंड मेड अंडरस्टूड। कई हस्ती और जीवन शैली ब्लॉगर शरीर में एसिडिटी को संतुलित करने के लिए बेसिक यानी कि अल्कलाइन आहार के लाभों के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या आपका आहार वास्तव में सिर्फ एक बड़ा केमिकल प्रयोग है? ये मानना है श्याना कुमार RDLD, एक लाइसेंस्ड प्राप्त और रजिस्टर्ड आहार विशेषज्ञ कैंसर वेलनेस के। हमारे दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल, जैसे कि आपका शरीर एसिडिक है या अल्कलाइन, क्या अल्कलाइन आहार आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, अल्कलाइन आहार खाने के क्या फायदे हैं, क्या अल्कलाइन और कम एसिडिक भोजन कैंसर को रोकने में मदद करता है या ट्यूमर के विकास को धीमा करता है और कैंसर के उपचार में सहायता करता है, तो कैसे? व्हाट आर द टॉप 16 अल्कलाइन फूड्स? अब ये सारे सवालों की झंझट से बाहर निकलने के लिए इसे पूरा देखें। अभी यूरिन और सलाइवा का पीएच लिटमस टेस्ट करके हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि कुछ भी एसिडिक या अल्कलाइन या बेसिक खाने से सलाइवा और यूरिन के पीएच को बदल सकते हैं, लेकिन रक्त यानी कि ब्लड का पीएच नहीं बदल सकता। शरीर इसे 7.2 या 7.4 के बीच में ही इसे रखता है जो अल्कलाइन होता है। व्हाट इज पीएच? पीएच यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन यानी संभावित हाइड्रोजन, जो हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है और इस सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कितना एक्टिव है। हाइड्रोजन आयन की अगर उच्च सांद्रता यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर कम पीएच वैल्यू होती है और इसे एसिडिक माना जाता है। हाइड्रोजन आयन की कम सांद्रता यानी लो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो हाई पीएच वैल्यू होती है, तो उसे क्षारीय या अल्कलाइन या बेसिक माना जाता है। एसिड्स हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के दौरान सामान्य बाय प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें बाद में किडनी द्वारा रक्त से फिल्टर किया जाता है और यूरिन में उत्सर्जित किया जाता है यानी निकाल दिया जाता है। ये पीएच बैलेंस चार्ट है जहाँ 0 से लेकर 14 के स्केल तक पीएच दी गई है, जहाँ पे पीएच 0 से 6 तक एसिडिक मानी जाती है जो घटती जाती है और एसिडिटी बढ़ती है, और पीएच 7 से लेकर 14 तक अल्कलाइन मानी जाती है जहाँ पे पीएच बढ़ने से अल्कलाइनिटी बढ़ती है, और पीएच 7 है जिसे हम न्यूट्रल मानते हैं जो पानी के बराबर है। अब अल्कलाइन डाइट इस विचार पर आधारित है कि आपके द्वारा खाए जाने वाले हर एक खाद्य पदार्थ आपके शरीर की एसिडिटी या अल्कलिन पीएच को बदल सकते हैं। मानव शरीर स्वाभाविक रूप से थोड़ा अल्कलिन ही होता है, लगभग 7.35 से लेकर 7.45 पीएच तक, जो हमारे रक्त को ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन कृत रखने में मदद करते हैं, लेकिन होता उसका उल्टा भी है। ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज जो अल्कलाइन होते हैं और शरीर को अधिक अल्कलाइन अवस्था में स्थानांतरित करने में भी मदद करते हैं। जैसे शरीर हमेशा रक्त की पीएच को 7.4 के आसपास बनाए रखता है जो अल्कलाइन होता है, कुछ भी खाने से खून या रक्त का पीएच नहीं बदलता। पेट अत्यधिक एसिडिक होता है जो 1 से 3 पीएच के आसपास होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अब आदर्श त्वचा का पीएच कुछ हद तक एसिडिक ही होता है, जो 4.5 से लेकर 5.8 पीएच के बीच होता है। यह त्वचा का एसिडिक मेंटल यानी लेयर सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर की बाहरी परतें बरकरार रहें, संक्रमण मुक्त रहें और स्वस्थ रहें। पीएच आपके शरीर के क्षेत्र के आधार पर भी भिन्न होता है। इसके अलावा पुरुषों की त्वचा का पीएच महिलाओं की त्वचा की तुलना में थोड़ा अधिक एसिडिक होता है, क्योंकि पुरुष अधिक सीबम या सीबम ऑयल का उत्पादन करता है। पीएच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत 7.5 से 8 होती है जो अल्कलाइन होती है, बड़ी आंत की पीएच थोड़ी कम होती है 5.5 से 7 होती है, लीवर का पीएच 7 से 7.2, ब्रेन का 7 से 7.2 और हार्ट का 7 से 7.4, यानी कि सभी अंग हमारे
अल्कलाइन ही होते हैं। इस तरह से बॉडी का पूरा पीएच चार्ट देखें तो आर्टरी, वीनस, कैपिलरी ब्लड, पेंक्रियाटिक सिक्रेशन, बाइल, बोन्स, स्केलेटन मसल्स, ये सभी पीएच अल्कलाइन है, 7 से 7.5 के आसपास। लेकिन हमारे सलाइवा और यूरिन की पीएच कभी एसिडिक तो कभी बेसिक स्विंग होती रहती है, क्योंकि हम जिस तरह का खुराक जो खाना खाते हैं एसिडिक या अल्कलाइन, उसी हिसाब से वो चेंज होती है। अल्कलाइन फूड हमारे लिए अच्छा क्यों है? कुछ शुरुआती प्रमाण है कि अधिक अल्कलाइन भोजन खाने से ओबेसिटी कम करने में मदद मिल सकती है, किडनी स्टोन को रोका जा सकता है, बोन्स और मसल्स को मजबूत रखा जा सकता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और ब्रेन के कार्य में सुधार किया जा सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। क्षारीय भोजन यानी अल्कलाइन फूड हमारे लिए अच्छा क्यों है? अल्कलाइन फूड के समर्थकों का मानना है कि यदि आप अल्कलाइन खाद्य पदार्थ यानी उच्च पीएच वाले आहार लेते हैं और एसिडिक खाद्य पदार्थों को सीमित करते हैं तो आप शरीर के पीएच स्तर को बढ़ा सकते हैं, शरीर को अधिक अल्कलाइन बना सकते हैं और अपने शरीर को कैंसर के लिए एक खराब वातावरण खड़ा कर सकते हैं। हमारे शरीर को अल्कलाइन कैसे करें? ये बहुत सरल है, अल्कलाइन खाना खाके। लेकिन अगर कोई भोजन एसिडिक है स्वाभाविक रूप से, क्या इसका मतलब ये है कि यह खराब है? ये जरूरी नहीं कि इसके लिए हमें प्राल को समझना होगा। प्राल क्या है? PRAL, संभावित रीनल एसिड लोड, यानी कि पोटेंशियल रीनल एसिड लोड। आम आदमी के शब्दों में इसे समझे तो यह आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के आधार पर आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले एसिडिक या बेसिक की मात्रा का नाप है। अभी PRAL प्राल की गणना कैसे की जाती है? अभी प्राल इज इक्वल टू 0.49 इंटू प्रोटीन ग्राम पर डे, 0.037 इंटू फॉस्फोरस मिलीग्राम पर डे, 0.021 इंटू पोटेशियम मिलीग्राम पर डे, 0.026 इंटू मैग्नीशियम मिलीग्राम पर डे और 0.013 इंटू कैल्शियम मिलीग्राम पर डे। इसी तरह से प्राल का कैलकुलेशन होता है। एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्राल वाला भोजन एसिडिक उत्पादक माना जाता है, जबकि एक नेगेटिव प्राल वैल्यू एक ऐसे भोजन को सूचक करता है जो अधिक बेसिक या अल्कली है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मौजे फैक्ट्स एंड प्रेस बेल आइकन। अभी ये प्राल वैल्यू और पीएच वैल्यू में फ़र्क क्या है? प्राल वैल्यू इस बात का पता लगाते हैं कि कोई भोजन एसिड बनाने वाला है या नहीं, जो इसका सेवन करने के बाद शरीर के अंदर होता है। अभी पीएच वैल्यू उपभोग करने से पहले यह तय करता है कि भोजन स्वयं एसिडिक है या नहीं। उदाहरण के लिए खट्टे फल जैसे कि नींबू, पीएच पैमाने पर इसकी पीएच 2.5 से 3.5 रहती है, जो एसिडिक होते हैं, लेकिन वे शरीर में एसिड का उत्पादन नहीं करते। उन्हें लो प्राल यानी कि नेगेटिव प्राल -2.5 होती है और तकनीकी रूप से नेगेटिव प्राल वो अल्कलाइन माना जाता है। हाई प्राल वैल्यू यानी एसिड बनाने वाले खाद्य पदार्थ, लो प्राल वैल्यू यानी नेगेटिव प्राल वैल्यू यानी अल्कलाइन बनाने वाले खाद्य पदार्थ। यह थोड़ा भ्रमित या कन्फ्यूजिंग करने वाला है, लेकिन यह याद रखना है कि पीएच वैल्यू हमें बताता है कि कोई भोजन एसिडिक है या अल्कलाइन खुद। अभी प्राल वैल्यू हमें बताता है कि उक्त भोजन एसिड बनाने वाला है या नहीं, जब हम इसका सेवन करते हैं। अब आइए जानने की यह कोशिश करते हैं कि अपने आहार में शामिल करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ अल्कलाइन खाद्य पदार्थ कौन से हैं। आइए देखते हैं टॉप 16 अत्यधिक अल्कलाइन खाद्य पदार्थ जो वास्तव में आपके पीएच स्तर को संतुलित करते हैं। सबसे पहला है नींबू, जिसकी प्राल वैल्यू है -2.6 यानी कि अल्कलाइन है। पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे क्षारीय खनिजों में अत्यधिक है। एसिडिक साइट्रिक एसिड मेटाबोलाइज करता है और शरीर में
अल्कलाइन प्रभाव देता है। दूसरा है ब्लूबेरीज, जिसकी प्राल वैल्यू -2.8 है, यानी कि ये क्षारीय है और अल्कलाइन भोजन है, और नियमित सेवन हृदय रोग के जोखिम को कम करता है, कॉग्निशन में सुधार करता है और एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है जो जल्दी उम्र बढ़ने से भी रोकता है। तीसरा है केले यानी बनाना, जिसकी प्राल वैल्यू -99 है, ये बहुत अधिक अल्कलाइन है, जिसे उच्च फाइबर के साथ पोटेशियम स्टिक भी कहा जाता है और पाचन में भी मदद करता है। चौथा है खीरा या ककड़ी या ककम्बर, जिसकी प्राल वैल्यू -3 है, अल्कलाइजिंग है, जिसमें अल्कलाइजिंग खनिज जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, बायोटिन और सिलिका होते हैं, तो ढेर सारा पानी भी संयोजे रखता है, जिसके कारण व्यक्ति को हाइड्रेटेड रखता है। इसमें विटामिन ए जो दृष्टि, इम्यूनिटी और प्रजनन में भी मदद करता है। पांचवा है बीट लीव्स या चुकंदर के पत्ते, दुनिया के सबसे अल्कलाइन खाद्य पदार्थों में से एक है, जिसका प्राल वैल्यू -19 है, जो लीवर से पित्त उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है, यानी कि बाइल, फैट के बेहतर पाचन में भी मदद करता है। छठवां है सोया टोफू, जिसकी प्राल वैल्यू है -12। सोयाबीन से प्राप्त अल्कलाइन भोजन बहुत सारे प्रोटीन और आयन के साथ होता है, जो कैलोरी में भी कम होता है। आइसोफ्लेवोन्स से भरपूर, उम्र से संबंधित हृदय रोग और मस्तिष्क रोग के खिलाफ सुरक्षात्मक हो सकता है। सातवां है टमाटर यानी टोमेटोस, जिसकी प्राल वैल्यू है -58। ये भी काफ़ी अल्कलाइन होता है। टमाटर आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, बीटा कैरोटीन, रक्त में हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करते हैं। आठवां है ड्राइड पार्सली यानी अजमोद या धनिया सुखाया हुआ या कोथमीर बोले, इसकी प्राल वैल्यू -108 होती है, यानी कि ये हाईली अल्कलाइन भोजन है, विटामिन ए, सी और के साथ फोलेट और आयरन का भी एक उत्कृष्ट स्रोत है। फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पेट में कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं। नौवां है मेजदूल खजूर यानी कि खजूर, जिसकी प्राल वैल्यू है -13.67। खजूर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी प्रमुख विटामिन है। आहार यानी कि डाइट फाइबर में उच्च 8 ग्राम प्रति 100 ग्राम में इनसॉल्यूबल डाइट फाइबर खजूर में आहार फाइबर का प्रमुख अंश था। खजूर एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है, मुख्य रूप से कैरोटीनॉइड्स और फिनोलिक्स इसमें भरपूर होते हैं। दसवां है बेजिल ड्राइड यानी तुलसी के सूखे पत्ते, जिसकी प्राल वैल्यू है -85। ये हाईली अल्कलाइन फूड होते हैं, ये आयन, जिंक, मैंगनीज, कैल्शियम और फॉस्फोरस से भरपूर। पवित्र तुलसी के पत्तों में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के भी होते हैं। तुलसी के पत्तों में अभी एक्टिव कंपाउंड्स जैसे कि ओर्सोलिक एसिड, लिनालूल, कार्वाक्रोल, रोजमेरिनिक एसिड, ल्यूटिल, एस्ट्रागोल और जियाक्सेंथिन जैसे कंपाउंड्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में बॉडी को मदद करते हैं। ग्यारहवां है स्पिनेक यानी कि पालक, जिसकी प्राल वैल्यू है -10.28। ये भी अत्यधिक अल्कलाइन और विटामिन के का एक उच्च स्रोत होने के साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस का स्रोत होते हैं। ये पोषक तत्व हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और रक्त के क्लोटिंग में या रक्त को जमाने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करते हैं। बारवां है ओरेगानो अजवाइन यानी कि ड्राइड स्पाइस, इसकी प्राल है -49.7। ये हाईली अल्कलाइन है और विटामिन ए, सी और के से भरपूर है। यह आयन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, कैल्शियम में भी समृद्ध है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ भरपूर और एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट कार्वाक्रोल भी इसमें अच्छी मात्रा में है, जो सूजन कम करता है। 13 है एप्रिकॉट ड्राइड, यह सूखा एप्रिकॉट की प्राइल -33 है। सूखे एप्रिकॉट कच्चे की तुलना में अधिक अल्कलाइन होते हैं, जिसकी शुगर कंटेंट्स बहुत हाई होती है, इसलिए सावधान रहें और सीमित मात्रा में खाएं। ड्राई एप्रिकॉट का एक कप दैनिक आवश्यकता का 94% विटामिन ए और 19% आयरन प्रदान करता है। ड्राइड एप्रिकॉट में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं।
और कोलेस्ट्रॉल कम करने में और पाचन को सुधारने में भी मदद करता है। 14वां है रेजिन यानी किशमिश बीज वाले, जिसकी प्राल है -14.46। लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने और पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक विटामिन B1, B2, B3 शामिल है। किशमिश में आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे फायदेमंद मिनरल्स भी होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं और पेट की समस्याओं को कम करता है, और ये हाईली अल्कलाइन भी है। 15वां है मसाले, जिसमें हल्दी, जिसकी प्राल है -46.66। इसमें करक्यूमिनोइड्स है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, हीलिंग गुण, सक्रिय एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और कैंसर को भी रोकता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल एक्टिविटी भी है। अभी 16वां है तरबूज यानी वाटरमेलन, जिसकी प्राल वैल्यू है -5, यानी कि अल्कलाइन भी है और विटामिन और खनिजों के साथ अल्कलाइन पानी वाला एक उत्कृष्ट भोजन है। कई एंटीऑक्सीडेंट इसे बनाता है, शक्तिशाली कैंसर विरोधी फल भी माना जाता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, अल्कलाइन डाइट खाद्य पदार्थों को कैसे वर्गीकृत करता है। अल्कलाइन डाइट खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में रखता है। सबसे पहला है एसिड फॉर्मिंग, यानी जो खाने के बाद एसिड बनाता है, उसमें है मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स। दूसरा है न्यूट्रल, जो है स्टार्च, प्राकृतिक फैट्स और शुगर। लास्ट में है अल्कलाइजिंग, यानी कि फल, सब्जियां, नट्स और फलियां। अभी अधिकांश शहरी निवासियों के दैनिक आहार में बड़ी मात्रा में एसिड फॉर्मिंग खाद्य पदार्थ जैसे कि बर्गर, समोसा, पिज्जा, रोल, पनीर, सैंडविच, सॉसेजेस, बेकन, कबाब, डोनट्स, पेस्ट्री आदि, जो लंबे समय में पेट में एसिडिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं। जब ये खाद्य पदार्थ केमिकली डाइजेस्ट होकर टूटते हैं तो वो अवशेषों को पीछे छोड़ देते हैं, जिन्हें एसिड एश कहा जाता है, जो आपके पेट की समस्याओं का मुख्य कारण है। अल्कलाइन डाइट की पूरी समरी क्या है? अल्कलाइन भोजन खाने का पूरा कंक्लूजन या निष्कर्ष ये है, और 100 बात की एक बात, अल्कलाइन आहार मूल रूप से अच्छे पुराने जमाने के स्वास्थ्य भोजन की पुष्टि करता है। आहार अधिक सब्जियां, फल खाने और बहुत सारा पानी पीने और चीनी, शराब, मांस और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करने की सलाह देता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मजे फैक्ट्स।